Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत साधु संघ के अंदर, सभी को साष्टांग दंडवत नाम। माता जी शुरू करें क्लास। हाँ प्रभु जी, सिर्फ आपके दर्शन नहीं हो रहे। हरे कृष्ण। दंडवत माता जी। आज हम पठन कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के पहले अध्याय के तीसरे श्लोक का। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीर्ये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो श्लोक जो है दूसरे स्कंद का पहला अध्याय, श्लोक संख्या तीसरा। तो अध्याय का शीर्षक है हृदय में भगवान, और श्लोक इस प्रकार से है निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावया दीवचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। ट्रांसलेशन एंड पर्पस बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। द लाइफ टाइम ऑफ सच एन एनवियस हाउसहोल्डर इज पास्ड एट नाइट इधर इन स्लीपिंग और इन सेक्स इंडल्जेंस and in the daytime either in making money or maintaining family members। तो ये था इनका अनुवाद। और पर्पट के अंदर जो बहुत महत्वपूर्ण जो पंक्तियां हैं वो लास्ट की पंक्तियां हैं। पूरा पर्पट बहुत महत्वपूर्ण है, मगर जो लास्ट की पंक्तियां हैं उसके अंदर प्रभुपाद ने इसका पूरा बता दिया है। यहाँ पर भौतिकवादी जीवन का सारांश रूप में वर्णन हुआ है, और अगले श्लोक में बताया गया है कि किस तरह लोग मनुष्य जीवन के वरदान को मूर्खता पूर्वक नष्ट करते हैं। तो इसको इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहले गुरु का आश्रय लेते हैं। ओम अज्ञान थिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयवदाय नमो आचार्य पादाय निताय पापदायिनि गौरप्रदाय नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाण प्रचार्य निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशिता जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो इसके बारे में चर्चा करने से पहले हम जो परीक्षित महाराज ने पहले स्कंद के अंदर 19वां अध्याय और 38वां श्लोक 1938 में सुखदेव गोस्वामी से उन्होंने प्रश्न किया था, तो वो प्रश्न इस प्रकार से है। इंग्लिश में और हिंदी दोनों में बताता हूँ। प्लीज लेट मी नो व्हाट अ मैन शुड हियर चैंट रिमेम्बर एंड वर्शिप एंड आल्सो व्हाट ही शुड नॉट डू। प्लीज एक्सप्लेन ऑल दिस टू मी। कृपया मुझे बताएं कि मनुष्य को क्या सुनना, जपना, स्मरण करना तथा पूजना चाहिए, और यह भी बताएं कि उसे क्या क्या नहीं करना चाहिए। कृपया करके मुझे ये सब बतलाइए। तो इस मतलब श्लोक के
उत्तर के अंदर ये दूसरा जो स्कंद है उसके अंदर जो ये अभी पहला अध्याय शुरू हो रहा है, इसमें बहुत सारी चीजें हमको सीखने को मिलेगी, बहुत सारी चीजें सुनने को मिलेगी, बहुत सारी चीजों के ऊपर हमको जो है इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा, जिसको इंग्लिश में इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं, मैंने अपने आप को समझना पड़ेगा कि हमारे अंदर क्या क्या त्रुटियां हैं, किस तरह हम उनको सही कर सकते हैं। तो ये जो मतलब बात थी कि क्या सुनना चाहिए और क्या नहीं सुनना चाहिए, उसके ऊपर दूसरा जो अध्याय दूसरा स्कंद जो है वो आधारित है। तो हम समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो टॉपिक था कि हमको क्या सुनना चाहिए और क्या नहीं सुनना चाहिए, फिर वो क्यों सुनना चाहिए, पहले तो क्या सुनना चाहिए और क्या नहीं सुनना चाहिए, उसके बाद में जो सुनना है तो वो क्यों सुनना चाहिए, और फिर वो किससे सुनना चाहिए और उसको किस तरह से सुनना चाहिए। तो ये चार प्रश्न अगर हम देखेंगे तो जो हमारे काफी सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, और बहुत सारे जो हमारे अंदर जो हम गलतियां कर रहे हैं उसको हम सुधारने का प्रयास कर सकते हैं। तो मतलब पहले पहले तो व्हाट शुड नॉट बी हर्ड, क्या नहीं सुनना चाहिए। तो श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के अंदर वही जो दूसरा स्कंद है पहला अध्याय है वहीं पर ये श्लोक आता है जो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, श्रोतव्याधिनी राजेंद्र नृणाम शांति सहस्रशा उपश्यताम आत्मतत्व ग्रहेशु ग्रहमेदिना। हे सम्राट, भौतिकता में उलझे उन व्यक्तियों के पास जो परम सत्य विषय ज्ञान के प्रति अंधे हैं। तो यहाँ पर पहले बताते हैं हे सम्राट, यानी वो संबोधित करते हैं परीक्षित महाराज को, भौतिकता में उलझे यानी जो भौतिक भौतिक लोग हैं वो जो भौतिकवादियों मतलब उसमें उलझे हुए लोग हैं वो क्या करते हैं, वो परम सत्य विषय ज्ञान यानी भगवान के बारे में ज्ञान के प्रति वो क्या है, वो अंधे हैं, क्योंकि वो भौतिक विषयों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, मानव समाज में सुनने के लिए उन अनेक विषय होते हैं, उन लोगों के पास अनेक विषय होते हैं। तो इसके बारे में आपने पिछले क्लासेस में सुना होगा। तो यहाँ पर ऐसे विषय बहुत सारे विषय कौन कौन से हैं, तो हम इसको जरा समझने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे विषय कौन से हैं, तो पहले पहले स्पोर्ट्स यानी खेल कूद, उसके बाद पॉलिटिक्स, उसके बाद में म्यूजिक, उसके बाद में सिनेमा, उसके बाद में कुकरी, ऐसे अनेकों विषय हैं जिसके ऊपर हम अपना पूरा जीवन बैठ के चर्चा करते रहते हैं। तो वो यहाँ पर जो सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं, हे परीक्षित महाराज, ऐसे इन विषयों पर हमको इनको हमको इन विषयों पे हमको चर्चा नहीं करनी चाहिए। वी मस्ट नॉट एंगेज इन मिंडन टॉपिक, इन भौतिक विषयों के ऊपर हमको चर्चा नहीं करनी चाहिए। तो अब ये चर्चा नहीं करनी चाहिए थे तो ये क्यों नहीं करनी चाहिए, पहले इसको हम देखते हैं। तो हमारे हृदय के अंदर इतनी सारी इच्छाएं हैं, अगर हम ये भौतिक वस्तुओं को और सुनेंगे तो ये इच्छाएं कम नहीं होंगी। तो इच्छाओं के बारे में क्या कहा गया है, तो इच्छाओं के बारे में कहा गया है कि अगर किसी को कहा जाए कि तुम अपनी इच्छाएं लिखते जाओ, अब उसकी एक सूची बनाओ, उसकी एक लिस्ट बनाओ, तो वो क्या अगर उसको हम जो आकाश है वो आकाश उसको एक पन्ने की तरह एक पेपर की तरह दे दें, और जितने भी जंगल हैं उन जंगल के अंदर जितने भी पेड़ पौधे हैं उनकी हम पेन बनाएं, उनकी हम कलम बनाएं, और जितने भी समुद्र के अंदर पानी है उसकी हम स्याही बनाएं, उसकी हम इंक बनाएं, और उससे कहें कि अब तुम इसके ऊपर जो ये आकाश रूपी जो पेपर है उसके ऊपर इन कलम के माध्यम से इस स्याही के माध्यम से आप इसके ऊपर जो है अपनी इच्छाओं को लिखते जाओ। तो ये पूरा समुद्र पानी का जो इंक बन के आप प्रयोग करोगे उसका उपयोग करोगे तो पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा, मगर आपकी इच्छाएं खत्म नहीं होगी। और दूसरा उदाहरण देते हैं कि समुद्र के अंदर जितनी लहरें हैं कोई गिन सकता है, कोई नहीं गिन सकता, क्योंकि एक लहर खत्म होती है दूसरी आती है। तो ठीक उसी तरह ये लहरें जैसे आती हैं, जो मौजें आती हैं वो आती हैं, और इतनी हमारी इच्छाएं हमेशा बढ़ती रहती है। तो ये इच्छाएं बढ़ती क्यों हैं, क्योंकि हम भौतिक विषयों के ऊपर ध्यान देते हैं और भौतिक विषयों की हम चर्चा करते हैं, इस वजह से हमारी इच्छाएं कभी कम नहीं होती। तो जैसे मैंने
पिछले क्लासेस में भी बताया कि ये क्या है, ये कामनाएं हैं, ये हमारी कामनाएं हैं जो कभी भी काम नहीं आती और कभी भी खत्म भी नहीं होती। तो कभी काम ना आने वाली कामनाएं हैं। दूसरा कारण, जब भगवद गीता के अंदर कहा गया है कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवर, तो अगर जो भौतिक विषयों के ऊपर हम चर्चा करते रहेंगे तो और इच्छाएं हमारी बढ़ती जाएंगी, तो होगा क्या कि अंत समय के अंदर हमको ये भौतिक इच्छाएं हमको फिर इस धरातल पर ले आएंगे जहां पर जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये जो बहुत ही बड़े बड़े जो प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम से हम बच नहीं सकते। तो इस वजह से हमको क्या करना, इनको नहीं सुनना चाहिए, इसको भौतिक विषयों के ऊपर। तो हम मतलब जो एक भौतिक विषय, इसके ऊपर एक उदाहरण आता है कि एक जो कपड़े का व्यापारी था वो अच्छा, मतलब बहुत ही उसने धन कमाया, धन कमाने के समय उसको अंत में इसकी ये स्थिति हो गई कि इसकी जो अभी मृत्यु के करा घर पर है, मृत्यु के अभी समय उसका मृत्यु का आ गया, तो घर वाले सब बैठे थे, घर वाले देख रहे थे और पूछ रहे थे, मगर ये आदमी जो कपड़े का व्यापारी था वो ऐसा था कि बहुत ही कंजूस था, वो हर चीज को जो है एकदम अपने आप को पूरा निचोड़ के रखता था, किसी के साथ में कोई चीज शेयर नहीं करता था, किसी के साथ में वो किसी को देता नहीं था। तो अंतकाल में जब वो अभी बिस्तर पे पड़ा हुआ है तो उसकी तभी उसकी जो है जुबान बंद हो गई, वो बात नहीं कर पा रहा था, सिर्फ इशारे कर रहा था। तो डॉक्टर लोगों को बुलाया गया, डॉक्टर लोगों को कहा गया, तो इसको बुखार इतना चढ़ा हुआ था, बहुत ही तेज बुखार चढ़ा हुआ था। तो जब ही उसके डॉक्टर ने चेक किया, डॉक्टर ने कहा भाई इसको अभी वो जो है उसका पूरा ध्यान जो है उस ऐसी स्थिति के अंदर उसका ध्यान पूरा अपनी दुकान के अंदर है, दुकान के अंदर स्टॉक पड़े हुए, तो उसके बारे में चल रहा था बातें चल रही। तो वहां पर जब वो डॉक्टर आया, डॉक्टर ने कहा भाई इसको चेक करके बाहर के कमरे में आकर उसके बच्चों को बताया कि इसको 102 बुखार है, अभी इसकी जुबान बंद हो गई है, इसकी मृत्यु कभी भी हो सकती है। तो जो बच्चे थे वो ये सोच रहे थे कि ठीक है अभी अंत समय है तो पापा जो है सब हमको बताएंगे कि कहाँ पर धन रखा है, कहाँ पर हमने इन्वेस्टमेंट करके रखा है, ऐसे तो उसको पूछा गया। तो ये बच्चे जो है डॉक्टर ने तो बताया कि बाहर आके कि 102 बुखार है, अंदर जो बच्चे गए तो उन्होंने आपस में बात कर रहे थे, तो किसी एक बच्चे ने उसको दूसरे को पूछा डॉक्टर ने मतलब उसने क्या कहा, तो इसने कहा 102। तो जो उस मरण अवस्था में के अंदर बैठा हुआ है उसकी तीव्रता इतनी बढ़ गई, तो बोलता बेच दो 102 में बेच दो, उसकी जबान खुल गई। मगर कहने का अर्थ यह है कि उस समय भी उसको भगवान की याद नहीं आ रही, मगर उसको अपने सामान को बेचने की बात याद आ रही है। तो ऐसे विषय जो भौतिक विषय हैं वो हमको अंत समय पे याद रहेंगे, तो हमारा इस धरातल पे जन्म मृत्यु जरावादी के चक्कर में फंसना लाजमी है, कंपल्सरी है, होना ही होना है। तो उससे बचने के लिए हमको क्या करना है वो हम आगे सुनेंगे। और चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं अपने भाष्य के अंदर, वो कहते हैं ग्राम्य कथा ना कही बे, ग्राम्य कथा ना सुनी बे। आपको ग्राम कथा यानी जो आप भौतिक विषय है इसको न सुनना है न करना है। क्यों नहीं करना है तो उसके हम आगे देखते हैं। नाउ वी लुक इनटू द आंसर व्हाट शुड बी हर्ड। अभी ये तो हमने सुन लिया कि ग्राम कथा ना कही बे, ग्राम्य कथा ना सुनी बे, तो ये नहीं करना है तो क्या करना है, यानी उसका उसकी आवाज में कुछ तो होना चाहिए कि अगर हम ऐसे नहीं करेंगे, हम ऐसे चुप तो बैठ नहीं सकते और नहीं ऐसे बिना सुने कुछ बैठ सकते, तो इसके लिए हमको क्या सुनी बे, क्या सुनना चाहिए, व्हाट शुड बी हर्ड। तो इसमें बताते हैं श्रील प्रभुपाद बताते हैं भागवतम के दूसरे स्कंद के पहले अध्याय के पहले श्लोक में कि हमको क्या सुनना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात है, वहां पर श्रील प्रभुपाद अपने परपट के अंदर तात्पर्य में बताते हैं कि कृष्ण कथा सुनी बे, हमको कृष्ण कथा सुननी है। और कृष्ण कथा क्यों सुननी है, कृष्ण के बारे में क्यों सुनना है, तो उसका वहीं एक उदाहरण आता है वाय। तो श्रील प्रभुपाद उसी तात्पर्य के अंदर बताते कि जब बिकॉज दे आर सो प्योर, वो जो विषय है कृष्ण कथा है वो विषय इतना जो है शुद्ध है, इतना प्योर है, दैट वेरेवर दे आर स्पोकन, जहां पर भी उसके बारे में चर्चा होती है, भगवान की कथाओं के बारे में होती है,
तो वो कैसा काम करती है, एक शिप की तरह। शिप की स्पेलिंग क्या होती है, एस एच आई और पी। तो ये शिप, शिप का मतलब क्या हो गया, एक जहाज होता है। तो शिप कैसे काम करती है कि आपको इस भवसागर से आपको तार जाएगी, आपको यहां से निकालकर, आपको भौतिक जगत से निकालकर आपको आध्यात्मिक जगत तक ले जाएगी। तो ये शिप है, यानी ये शिप कौन सी है, कृष्ण कथा, कृष्ण के बारे में चर्चा करना। तो शिप का अर्थ क्या होता है, तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य के अंदर बताते हैं कि ये किस किस को बेनिफिट होता है, इसका किस किस को जो है फायदा होता है, जो भगवान श्री कृष्ण की कथाएं सुनता है। तो मैंने उसका एक्रोनिम बनाया है शिप, एस एच आई और पी। तो एस यानी स्पीकर, जो बोलता है, जो वक्ता है। अच्छा, उसके बाद में एस हो गया स्पीकर, एच होगा हियरर, जो सुनता है यानी श्रोता। उसके बाद में आई हो गया, तो आई यानी जो, उसके बाद में आई हो गया जो इंक्वायरर, जो भी भगवान के बारे में, भगवान के विषयों के बारे में प्रश्न पूछते हैं। तो पहले पहले क्या हो गया, पहले स्पीकर हो गया, यानी एस स्टैंड्स फॉर स्पीकर, यानी जो वक्ता है। उसके बाद में हियरर यानी जो श्रोता है, और आई यानी इंक्वायरर, जो इसके बारे में, ज्ञान के बारे में पूछता है, प्रश्न करता है। और उसके बाद में पी, पी यानी वहां पर प्लेस, यानी जितनी भी जगह पर, जहां पर भी ये चर्चा होती है, वो सब प्योर हो जाते हैं भगवान के। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य के अंदर दूसरे स्कंद के पहले अध्याय के पहले श्लोक के अंदर भगवान बताते हैं कि जो स्पीकर है, हियरर है, इंक्वायरर है, और जो प्लेस है, वो पूर्ण रूप से प्यूरिफाइड हो जाती है, पूर्ण रूप से जो है शुद्ध हो जाती है। तो ऐसे कैसे संभव है, हम लोग, ये प्रश्न आता है। तो श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं अपने लेक्चर्स के अंदर कि जिस तरह एक लोहे की सलाख को अगर आप आग में डाल दो, आपने हाथ से उठाया और लोहे की सलाख को आपने आग में डाल दिया, उसको इतना तपाया कि वो लोहे की सलाख जो है वो अग्नि बन गई, वो लोहे की सलाख लाल हो गई, तपकर लाल हो गई। अब क्या आप इतनी चेष्टा करोगे उस जो लोहे की सलाख को हाथों से उठाने के लिए, नहीं। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि अब क्या हो गया है कि आग की जितनी भी क्वालिटीज है, आग की क्वालिटीज है जलाना, तो उसमें रह रहकर, उसके अंदर लोहे की सलाख अंदर रह रहकर, अब उसने क्या किया है, लोहे की सलाख ने उस अग्नि का पूरा जो क्वालिटीज है, उसके जो गुण है, वो लोहे की सलाख ने ले लिए। अब इस लोहे की सलाख को अगर आप किसी चिमटे से पकड़ कर कहीं पर भी छू दोगे, तो वो लोहे की सलाख वहां पर अग्नि का काम करेगी। अब वो लोहे की सलाख नहीं रही, वो अग्नि स्वयं बन गई है। तो लोहे की सलाख जब तपने के बाद में, एक भौतिक वस्तु जो है, एक तपने के बाद में दूसरी वस्तु का, यानी अग्नि का पूरा जो गुण है अपने आप में ले लेती है, तो क्या ये भौतिक विषयों के बारे में जब हम चर्चा करेंगे, तो ये भौतिक चीजें दूसरी सब चीजों को प्यूरिफाई नहीं कर सकती? सिंपल सी बात है, डेफिनेटली हो सकता है। तो उसके बाद में श्रील प्रभुपाद दूसरा उदाहरण देते हैं। तो श्रील प्रभुपाद दूसरा उदाहरण क्या देते हैं, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि अगर जब हम भागवतम के अंदर हम आगे पढ़ेंगे कि जब हम ये भौतिक विषयों के बारे में चर्चा करते हैं, तो वो जो इसको सुनता है वो पूर्ण रूप से स्पिरिचुअलाइज हो जाता है, पूर्ण रूप से आध्यात्मिक हो जाता है। तो ऐसे कैसे संभव है, तो श्रील प्रभुपाद बहुत सारे उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं जब भगवान श्री कृष्ण ने पूतना जब वहां पर गई थी भगवान श्री कृष्ण को मारने के ध्येय से, उसने अपने स्तन के ऊपर जहर लगाया, विष लगाया, और भगवान को उन्होंने स्तनपान कराया। भगवान ने क्या कहा, जैसे ही भगवान ने उनके स्तन से दूध पिया, न केवल भगवान ने उनके प्राण हर लिए, मगर उसी समय भगवान ने उनको दात्री यानी माता का दर्जा दिया, माता का जो स्तर दिया। तो भगवान जिसके साथ में कनेक्ट होते हैं, वो चीज ऑटोमेटिकली स्पिरिचुअलाइज हो जाती है। दूसरी बात बताते हैं, जब भगवान ने हस्तिनापुर में पहुंचे, तो भगवान ने अपना पंचजन्य शंख निकाला और भगवान ने पंचजन्य शंख को बजाया, जो वहां के हस्तिनापुर के वासी थे उनको बताने के लिए कि मैं अभी, सॉरी, द्वारका के वासी है उनको बताने के लिए कि मैं अभी द्वारका पहुंच गया हूं। तो घोषणा करने के लिए भगवान ने अपना शंख बजाया। तो जब भगवान ने उस शंख को अपने होठों से, अपने जो उनके लिप्स हैं उससे जब टच किया,
तो भगवान के लिप्स जो होते हैं वो गुलाबी, जो शास्त्र बताते हैं वो गुलाबी रंग के होते हैं, पिंक रंग के होते हैं। तो जैसे ही वो जो हंस की तरह सफेद जो शंख था, जैसे ही भगवान के होठों से उसका स्पर्श हुआ, तो जो पूरा सफेद रंग का शंख था वो पूर्ण रूप से गुलाबी हो गया, वो पिंक हो गया। तो कहने का मतलब है भगवान के जितने भी विषय हैं, भगवान की जितनी भी चर्चा करें, भगवान की कथाओं को हम सुनेंगे तो हम स्पिरिचुअलाइज हो जाएंगे, जिस तरह शंख स्पिरिचुअलाइज हो गया, जिस तरह पूतना को उन्होंने दात्री का दर्जा दिया। तो श्रील प्रभुपाद मेंशंस एनीथिंग व्हिच कम्स इन कॉन्टैक्ट विद कृष्णा बिकम्स कृष्णाइज्ड, जैसे बोलते हैं आयोडाइज्ड, आयरन के साथ जो है आयोडीन के साथ में कोई चीज मिक्स हो जाए तो आयोडाइज हो जाती है। इसी तरह भगवान के बारे में बताया गया है, भगवान के संपर्क में जो भी चीजें आती है वो कृष्णाइज्ड हो जाती है, वो पूर्ण रूप से भगवान के कृष्ण के, कृष्ण का जो है उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है और वो उनके गुण अपना लेती है। तो वाई शुड वी हियर अबाउट कृष्णा ओनली, हमको सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के बारे में क्यों सुनना है, सिर्फ कृष्ण के बारे में ही क्यों सुनना है? तो यहाँ पर आठ उदाहरण दिए हैं, आठ कारण बताए हैं, उदाहरण नहीं कारण बताए। तो मतलब श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता ये दोनों जो ग्रंथ हैं क्या बताते हैं, ये आपको नॉलेज देते हैं, ये आपको ज्ञान देते हैं, मतलब किसका, प्रत्यक्षता का, यानी प्रेजेंट का और रियलिटी का, जो सही माने में जो ज्ञान है उसके बारे में बताते हैं। तो अगर हम देखेंगे कि अमेरिका के अंदर सबसे मतलब जो दूसरे नंबर पे बीमारी वहां पर आई है, वहां पर कौन सी बीमारी जो दूसरे दर्जे पर है, एड्स के बाद में, एड्स काफी वहां पर फैली हुई है, और उसके बाद में जो दूसरी बीमारी है वो है अल्जाइमर्स नाम की बीमारी। के अंदर क्या होता है कि आदमी सब कुछ भूल जाता है, यहाँ तक वो भी भूल जाता है कि ये इसकी बीवी है, इसके बच्चे हैं, ये इसके टोटली मतलब वो एक तरह से है कि बस वो एक आदमी मतलब है, मगर उसको ये भी पता नहीं है कि भाई कौन रिश्तेदार है, क्या है, कुछ नहीं समझ में आता। ऐसे भी किस्से आए हैं जहां का अल्जाइमर के अंदर वो अपनी जो भाषा है, बोलने की भाषा है, वो भी भूल जाते हैं, टोटली भूल जाते हैं। तो एज गुड एज कि वो आदमी है मगर उसके अंदर उसके पास कुछ भी बुद्धि नहीं है, टोटली वाइप आउट हो गया, उसका जो कंप्यूटर है कंप्लीटली क्लीन हो गया। तो ऐसे अल्जाइमर की सिचुएशन किसको है, तो वहां पर बता रहे हैं कि अमेरिका के अंदर पुराने जो फिगर्स उसके अंदर बताते हैं कि 40 लाख लोग जो है ये अल्जाइमर बीमारी से पीड़ित हैं। तो अगर सही माने में देखा जाए तो क्या हम लोग पीड़ित नहीं है, हम भी पीड़ित हैं, हमारा जो ध्यान कहाँ है, हमारा घर कहाँ, हमारा घर जो है गोलोक वृंदावन है, मगर हम भी अल्जाइमर से जो है प्रभावित हो चुके हैं, और हम इस तरह से प्रभावित हो चुके हैं क्योंकि हम भौतिक जगत के अंदर आए हैं और हम इन भौतिक वस्तुओं के साथ में उलझे हुए हैं, और हम हमारा जो हमारे पिता, हमारे माता और पिता जो भगवान श्री कृष्ण हैं, हम उसको भूल गए और हम इस जगत के अंदर फंसे हुए हैं। तो कविराज गोस्वामी कहते हैं, जब ये मतलब ये बात के ऊपर कविराज गोस्वामी क्या बताते हैं इन चैतन्य चरितमृत के, मायर जो है माया मुग्ध जीवेर नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, माया मुग्ध जीवेर नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपा कैले कृष्ण वेद पुरा। तो चैतन्य चरितमृत के अंदर बताया कि भगवान ने ऐसे व्यक्तियों के लिए, ऐसे लोग जो भौतिक जगत के अंदर फंसे हुए हैं, तो कविराज गोस्वामी क्या बताते हैं, वो बताते हैं कि भगवान जो है माया मुग्ध जीवेर, जो माया के प्रभाव में आ गया है, नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, उनको भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान नहीं है। तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने ऐसे लोगों के जीवेर कृपा कहले, ऐसे जीवों के ऊपर भगवान ने कृपा किए, कहले कृष्ण वेद पुराण, भगवान ने उन लोगों के लिए वेद और पुराण दिए, और वेद और पुराणों के अंदर हमको श्रीमद् भागवतम के अंदर, श्रीमद् भगवद गीता के अंदर हमको भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान मिलता है। तो ये ज्ञान हमको मिलना जो है, हमको इसके लिए हमको उनको पढ़ना चाहिए। तो हमको कृष्ण का ज्ञान क्यों चाहिए, तो ये पहला उन्होंने बताया। दूसरा, इट अवेकन्स अस द रियल गोल ऑफ लाइफ, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, तो वह मतलब हमारे पैसा जमा करना, या तो हम घर बनाना, या तो हमारे बीवी बच्चों को पालना, ये हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। हमारे जीवन का लक्ष्य है हम सब एक सब परिवार होके भगवान श्री
कृष्ण के जो धाम है गोलोक वृंदावन के अंदर, वहां पर जाके निवास करें और भगवान की सेवा करें। तो यहाँ पर इट अवेकन्स अस टू द रियल गोल ऑफ लाइफ। हमारे जीवन का लक्ष्य है कि हमको वापस भगवान के धाम में जाना है, मगर हम किसमें फंसे हुए? असनम में वसनम में जायो में बंधु वर्गो में इति में कुर्वानम काल व्रको हंति पुरुष अजम। तो बोला असनम में, ये खाना मेरा है, उसके वसनम में जहां मैं वास करता हूँ वो जगह मेरी है, जायो में मेरी पत्नी मेरी है, बंधु वर्गो में ये बंधु बांधव जो है वो मेरे हैं, इति में कुर्वानम, ऐसा मैं कौन करता है? ऐसा मैं करता है बकरी, बकरी मैं करती है। इति में कुर्वानम काल व्रको हंति पुरुष अजम, काल काल यानी जो मृत्यु है। तो जिस तरह बकरी मैं जंगल में जब चरने जाती है तो बकरी मैं करती है, तो काल व्रको, व्रको यानी वुल्फ। इसके लिए हम भगवत गीता से जान सकते हैं कि व्रकोधर, व्रकोधर नाम किसका था? भीम जी का नाम था, क्योंकि उन कितना भी खाते थे उनका पेट बाहर नहीं आता था, उनका जो 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 उधर है वो किसकी तरह रहता था? व्रको यानी वुल्फ की तरह, वुल्फ का जो कमर एकदम छोटी रहती है, तो कितना भी खाने के बाद में भीम का जो है शरीर ऐसा रहता था। यहाँ पर क्या बता रहे, काल व्रको हंति पुरुष अजम, यानी जो व्रको है यानी वुल्फ है वो आके क्या करता है, वो उसको पता चल जाता है कि मेरा खाना आ गया, और वो तो ठीक उसी तरह हम कहते हैं असनम में खाना मेरा है, वसनम में जहां मैं वास करता हूँ वो जगह मेरी है, जायो में पत्नी मेरी है, बंधु वर्ग ये बंधु बांधव मेरे हैं, अगर ये मैं करते रहते हैं तो किसी समय पर काल रूपी जो है यमराज आएंगे, वो आके हमको ले जाएंगे और सब यहीं धरा का धरा रह जाएगा। तो उसी तरह हमको इन विषयों के ऊपर चर्चा नहीं करनी चाहिए, हमको भगवान के बारे में सुनना चाहिए। बाद में उसके बाद में आता है इट ब्रिंग्स अबाउट प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट। तो ये अगर भगवान की कथाएं हम ये किस विषय पे चर्चा कर रहे हैं कि हमको भगवान श्री कृष्ण के बारे में ही क्यों सुनना चाहिए, तो उसके बारे में आगे आता है इट ब्रिंग्स अबाउट, तीसरा कारण इट ब्रिंग्स अबाउट प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट। श्रुणताम स्वकृथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदयंतस्व भद्राणी विधुनोति सुहृत्सताम। क्या बोलते हैं कि इतने मतलब जो है हमारे हृदय के अंदर भगवान बैठे हुए हैं, श्रुणताम हमको सुनना है भगवान के, श्रुणताम स्वकृथा कृष्ण ही की कथा सुननी है, पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदयंतस्व भद्राणी, हृदय के अंदर जितने भी अभद्र हैं विधुनोति सुहृत्सताम, भगवान स्वयं उनको खत्म कर देंगे अगर हम भगवान की सिर्फ जो कथाओं को सुनते रहेंगे। तो उदाहरण आता है कि एक ओलंपिक्स गेम के अंदर लॉरेंस लिमुक्स करके ये था बंदा था, वो बहुत मतलब उसने जो स्प्रिंट के अंदर रनिंग के अंदर उसने भाग लिया था, मगर हुआ क्या कि जब वो दौड़ लगा रहा था तो वहां पर वो उसका जो सहपाठी था उसके साथ में जो उसको पैरों के अंदर क्रैम्प्स आए और वो वहां पर गिर पड़ा। तो इसने क्या किया, इसने उस जो सेकंड पोजीशन पे था उसको उसने अपने कंधे का सहारा दिया और दोनों एक साथ में उन्होंने गोल को पास किया, उन्होंने दोनों जो फर्स्ट डिक्लेयर हुए। तो ऐसी जब सिचुएशन हुई तो पूरा उसका बहुत सारा नाम हो गया कि लॉरेंस ने ऐसे मतलब जो अच्छा एक स्वभाव दिखाया, एक अच्छा उसने कैरेक्टर दिखाया कि उसने अपने जो सहपाठी था जो उसका वैसे तो जो गेम के अंदर द्वंदी था, प्रतिद्वंदी था उसका जो ओपोनेंट था, मगर उसने उसको भी उस समय एक इंसानियत के नाते उसको उठा के साथ में चलकर उन्होंने दोनों ने फर्स्ट जो पोजिशन को क्लियर किया। तो कहने का मतलब जब हम ऐसे लोगों के बारे में हम इतने सारे चर्चा करते हैं, इतना नाम करते हैं, तो भगवान ने हमारे लिए कितनी सारी चीजें की है, भगवान ने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया, हम जो भी दिया है वो भगवान ने दिया है, जो भी करता है भगवान करता है, तो हम उसके बारे में गुणगान क्यों नहीं करते। हम ऐसे एक भौतिकवादी के आदमी के लिए हम इतनी सारी उसके बारे में चर्चा करते हैं, मगर हम जो भगवान के लिए हमको इतना सारा ज्ञान दिया है, इतनी सारी बातें दी, हम उसके बारे में क्यों नहीं चिंता करते और क्यों नहीं चर्चा करते। तो दूसरा उसके बाद में चौथा मतलब क्या कारण है, ओनली मीन्स टू अटैक पर्सनल प्रेजेंस। भगवान यहाँ पर श्रीमद् भागवतम के अंदर कहते हैं, श्री कृष्णा सेज ना हम तिष्ठामि वैकुंठे योगी नाम हृदय सुच। तो यहाँ पर भगवान क्या बताते हैं, नारद जी को कहते हैं ना हम तिष्ठामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में निवास नहीं करता, योगी नाम हृदय सुआ, योगी के हृदय में भी मैं नहीं बसता, that I am staying in Vaikuntha nor in the king nor in the yogi's heart,
तो वो क्या हुआ, तत्तत्तिष्ठामी नारदा यत्र गायंती मद भक्तान, तत्तत्तिष्ठानी नारदा, हे नारद जी मैं वहां पर वास करता हूँ जहां मेरे भक्त मेरे गुणगान करते हैं, वेर एवर माई डिवोटी सिंग और चैंट द ग्लोरीज ऑफ मी आई स्टैंड देयर, मैं वहां पर रहता हूँ, जहां पर भी भगवान के बारे में चर्चा होती है, भगवान की कथाओं के बारे में चर्चा होती है, तो वहां वहां पर भगवान उपलब्ध होते हैं। तो जब अगर आपको भगवान को प्रत्यक्ष में मिलना है तो हमको तो यहाँ पर ओनली मीन्स टू अट्रैक्ट पर्सनल प्रेजेंस, भगवान का सानिध्य, फिजिकल सानिध्य अगर आपको प्राप्त करना है तो भगवान की लीलाओं के बारे में सुने, ये होगा चौथा। मटेरियल डिजायर्स आर मिटिगेटेड, अगर ये पांचवा इसका जो बेनिफिट है, भगवान की कथाओं के बारे में सुनेंगे अगर हम भगवान के चिंत भगवान के नामों का जप करेंगे, हमेशा भगवान के बारे में सुनते रहेंगे, तो हम हमारी स्थिति कैसे हो जाएगी, तो कहते हैं कि जिस तरह अगर जंगल में आग लगती है, तो जंगल के अंदर आग लगती है और तो वहां पर हाथी जो रहते हैं, वो हाथी उस आग से झुलस रहे होते हैं, उनको बहुत गर्मी लगती है, उनके बदन के ऊपर जो है जलन का अनुभव होता है, तो वो क्या करते हैं, तो जितने भी हाथी हैं वो जाके वहां पर तालाब होता है, वो तालाब के अंदर ठंडे पानी के अंदर कूद जाते हैं और तब उनको जो है आनंद महसूस होता है, उनको ठंडक महसूस होती है, उनको इस जो ज्वलन से पीड़ा से उनको मुक्ति मिल जाती है। तो ठीक उसी तरह अगर हम भगवान के बारे में सुनते रहेंगे तो ये भौतिक जो कलमश है, जो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर हमको परेशान करते हैं, वह हमको ठीक उसी तरह वो हमको जला रहे हैं। हम भौतिक जगत के अंदर, ये भौतिक जगत क्या है, एक जंगल है, उस जंगल के अंदर हम जल रहे हैं, हम तप रहे हैं, तो उसकी उसको जब आपको तो अगर ठंडा जल मिले, जहां पर आप जाके विश्राम करोगे वहां पर उस ठंडे जल के अंदर जाके बैठोगे तो कितना आनंद आएगा। तो कहते हैं कि जो भगवान की कथाएं हैं, भगवान श्री कृष्ण की कथाओं को हम सुनेंगे तो हमको उसी तरह जिस तरह हाथी को ठंडक का अनुभव होता है पानी के जल में जाने से, पानी में जाने से, पानी के तालाब में जाने से, ठीक उसी तरह जब हम भगवान की कथाओं को सुनेंगे तो हम ये भौतिक परेशानियां जो हमको मिलती रहती है, हम उससे छुटकारा पा सकते हैं। उसके बाद गिव सेटिस्फैक्शन टू द सोल, जो हमारी आत्मा को आनंद देता है, हमको संतुष्टि देता है। तो भगवान का नाम, भगवान कौन है, परमात्मा है, और हम कौन है, आत्मा है। तो आत्मा जीवेर स्वरूप नित्य कृष्ण दास, जब भगवान श्री कृष्ण के दास बनकर हम रहेंगे और इन भगवान के बारे में सुनेंगे, भगवान हमको उनको आइडेंटिफाई करना है कि भगवान कहाँ रहते हैं, तो जब हमको पता चलेगा भगवान की कथाओं के माध्यम से, हम कथाओं के माध्यम से हम सुनेंगे भगवान कहाँ रहते हैं, हम वहां पर जाएंगे, वहां पर जाएंगे तो हमको क्या होगा, हमको आनंद मिलेगा, हमको संतुष्टि मिलेगी। तो आत्मा को तब तक संतुष्टि नहीं मिलती जब तक वो परमात्मा के हाजरी में होके वहां पर सेवा न करे, या वो भगवान परमात्मा के शुद्ध भक्तों की सेवा न करे। तो उसका उदाहरण हम कैसे देखते हैं कि एक बच्चा होता है, बच्चा अगर जब तक अगर वो एक उसमें गया है, अपना फेयर के अंदर गया है, एक आनंद जो ये होता है मेला होता है उसमें गया हुआ है, और उसका हाथ जो है माँ से के हाथ से छूट जाता है, और छूट जाता है, फिर बच्चा पूरा रोता रहता है, तो लोग जो वहां पर रहते हैं वो इतनी सारी अनाउंसमेंट करते हैं और उसको कहते हैं भाई ठीक है चल जब तक तू चुप हो जा बेटा, तेरे को आइसक्रीम खिलाता हूँ, तुझे बिस्किट देता हूँ, तुझे खिलौना देता हूँ, ये तो, मगर तब तक वो बच्चा संतुष्ट या शांत नहीं होता जब तक वो अपनी माता के साथ में उसका जिस माता के पास वह न जाए। तो ठीक उसी तरह जब तक हम भगवान के पास नहीं जाएंगे तब तक हम असंतुष्ट रहेंगे। तो संतुष्टि के लिए हमको भगवान के बारे में सुनना चाहिए और सुन के भगवान की सेवा में रहना चाहिए। ये होगा छठा। सातवां, इट हेल्प अस टू गो अबाउट द ट्रांसेंडेंट बॉडी कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ। देखिए हमारी जो तीन पत्नियां हैं, वो तीन पत्नियां कौन कौन सी है, हमारी तीन पत्नियां हैं, हमारी एक्चुअली देखा जाए तो चार पत्नियां हैं, तो तीन पत्नियां कौन सी है, तो पहली पहली हमारी भूख, हमको खाना चाहिए, उसके बाद हमारी प्यास, ये दूसरी पत्नी, तीसरी जो है हमारी इच्छाएं, ये तीन पत्नियां हैं। ये तीन पत्नियां जो है ये बहुत मतलब हमारे साथ में हमेशा रहती है, किधर भी जाती नहीं है, भूख हमको लगती है, प्यास लगती है, हमारी इच्छाएं भी हमको लगती है, इच्छाएं बढ़ती जाती है हमारी, मगर सबसे जो बहुत ही हमारी जो प्रिय है वो है हमारी आशा, वो हमको कभी भी छोड़ती नहीं है, हमारी आशा होती है। तो ठीक उसी तरह परीक्षित महाराज देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं कि सुखदेव से, आई जस्ट वॉन्ट टू लिसन, मैं सिर्फ भगवान की कथा को सुनना चाहता हूँ,
सुनना चाहता हूं, क्यों कि हंगर थर्स्ट विल नॉट हिंडर इन माय हियरिंग। तो ये जो अगर मैं भगवान की कथाओं को सुनूंगा ना, तो वहां पर परीक्षित महाराज ने खाना खाया, न पानी पिया, न नींद की, उन्होंने 7 दिन तक सतत सुनते रहे। तो भगवान की कथाएं इतनी रमणीय हैं, इतनी सुंदर हैं, इतनी मीठी हैं कि हम अगर उनको सुनते रहेंगे तो हमारा जो है, हमारा स्वयं का अनुभव है कि हम उस समय खाना भूल जाते हैं, पानी पीना भूल जाते हैं, बोलते नहीं और थोड़ा सुनो, इसका इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में क्या हो गया। तो वो हम इतने उत्सुक हो जाते हैं तो हम अपना खाना भूल जाते हैं, हमारी जो है इच्छाओं को हम भूल जाते हैं, क्योंकि भगवान के बारे में जब हम सुनते हैं तो हम इतने एकाग्र हो जाते हैं उनको सुनने के लिए, तो हम अपनी इच्छाओं को भी भूल जाते हैं। तो ठीक उसी तरह अगर हम इसका उदाहरण देखेंगे तो अभी यहाँ पर दुबई के अंदर कीर्तन रसा हुआ था, 3 दिन कैसे गए हम बता नहीं सकते, खाने का कुछ हमारा था ही नहीं, बस वो खाना खाना है इसके लिए हम खाना खाने के लिए या प्रसाद खाने के लिए जाते थे, बाकी नहीं, बैठना है, इधर सुनना है। अभी इसका अभी जो है बीवी गोविंद महाराज का कीर्तन होगा, अभी भक्ति अनुग्रह स्वामी महाराज का कीर्तन होगा, अभी जो है श्रोत प्रभु का कीर्तन होगा, अभी कीर्तन प्रेमी का प्रोग्राम होगा, मतलब उनका कीर्तन होगा। तो ये इतने उत्सुक रहते थे हम उनके बारे में सुनने के लिए महामंत्र को, कि हम ये भी भूल जाते थे कि 3:30 बज गए, अभी तक हमने कुछ प्रसाद ग्रहण नहीं किया। तो ये जो इन चीजों से भी हमको वो आके ले आते हैं, इट हेल्प अस टू गो अबाउ दिस थिंग। ये जो बेसिक चीजें हैं, खाना पीना और उसके बाद में जो हमारी इच्छा है, इसके भी ऊपर हमको ले जाते हैं भगवान की कथाओं को सुनेंगे। उसके बाद में 8वां जो है, ट्रांसेंडेंस मोस्ट फियरफुल डेथ, हमको जो मृत्यु का भय रहता है, सबसे बड़े में बड़ा भय रहता है मृत्यु का। तो जब हम भगवान की कथाओं को सुनेंगे और भगवान की कथाओं को सुन सुन के उनके अंदर बहुत सारे जो भक्त लोग हैं उनके बारे में सुनेंगे, तो हमको पता चलता है कि भगवान की कथा सुनने से, अगर हम भगवान की कथा सुनते सुनते हमारी मृत्यु भी हो गई तो हम कहाँ जाएंगे, भगवान के धाम में जाएंगे। तो वो भी है, वो जो डर है मृत्यु का डर, वो भी निकल जाता है। और साधु संघ के अंदर हमको ये सीखने को मिलता है कि आत्मा जो है वो कभी मरती नहीं, जो शरीर मरता है। तो जब ये ज्ञान मिल जाता है तो बोलते हैं यार ये तो शरीर है, कपड़ा है, पुराना हो गया, छूट जाएगा, दूसरा शरीर मिल जाएगा। तो ये टाइप का जब हमारा कॉन्सेप्ट हो जाता है, हमारी समझ हो जाती है, तो हम मृत्यु से भी डरते नहीं है। तो ये 8 कारण हैं जिसके लिए हमको भगवान के बारे में सुनना चाहिए। अभी उसके बाद में आते हैं हमको किससे सुनना चाहिए, तो ये फटाफट मैं इसको शॉर्ट में बता देता हूँ। तो पहले तुमको शुद्ध भक्तों के माध्यम से सुनना चाहिए, उन लोगों से सुनना चाहिए जो परंपरा के माध्यम से हमको सुनाते हैं, और वो 4 परंपराएं हैं, ब्रह्म संप्रदाय, उसके बाद में श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय। ये प्रामाणिक संप्रदाय हैं, इनके जो फॉलोवर्स हैं, इन संप्रदाय से जुड़े हुए हैं पूर्ण रूप से, उनके माध्यम से हमको सुनना चाहिए। हाउ शुड यू लिसन, अभी हमको कैसे सुनना चाहिए, तो सुनने के बारे में यहाँ पर बताते हैं। जो लोग श्रीमद भागवतम के अंदर आता है, दूसरे स्कंद के 8वें अध्याय के 4th श्लोक के अंदर बताते हैं कि जो लोग नियमित रूप से श्रीमद् भागवतम सुनते हैं, उसे अत्यंत गंभीरता पूर्वक ग्रहण करते हैं, खाली सुनते नहीं है, और उसे अत्यंत गंभीरता पूर्वक ग्रहण करते हैं, उनके हृदय में अल्प समय में, थोड़े ही समय में भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। तो ये इसका हमको कैसे सुनना चाहिए, तो हमको पहले श्रीमद् भागवतम को सुनने के लिए नियमित रूप से सुनना चाहिए, उसके बाद में अत्यंत गंभीरता पूर्वक सुनना चाहिए। जब हम ये सुनेंगे तो भगवान वहां पर आके हमारे हृदय में बसते। तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा और किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, इस संदर्भ में मैं प्रयास करूंगा उत्तर देने का, या जितने भी भक्त हैं वो वहां पर आपको सहायता करेंगे उत्तर देने का। हरे कृष्णा।